नमस्कार, मैं हूं चंदन भारती और आप देख रहे हैं द खबरी बाबू। द खबरी बाबू में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि न्यूज का हर अप टू डेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए खबर जानते हैं विस्तार से। जिस तरह से मैं बात कर रहा था अम्फन तूफान के बाद निसर्ग तूफान का, वाकई में निसर्ग तूफान जब मुंबई में आया कल तो एक मंजर अलग सा देखने को मिला। निसर्ग तूफान अम्फन तूफान से बंगाल व उड़ीसा में भारी तबाही हुई थी, उसी तरीके से कल मुंबई में जिस तरह से निसर्ग तूफान का आना एक अलग, जो कि 100 से 130 किलोमीटर के प्रति स्पीड में तूफान था, रात तक मुंबई में भारी बारिश होती रही। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट मिनल के साथ। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने कहा है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार वाली हवाओं के साथ बुधवार की दोपहर महाराष्ट्र के तट पर पहुंचा भीष्म चक्रवात निसर्ग अब कमजोर पड़ने लगा है और इसकी तीव्रता घट जाएगी। तूफान निसर्ग दोपहर करीब 1 बजे महाराष्ट्र तट से टकराया और अगले 3 घंटे तक लैंडफॉल प्रक्रिया चली। इसी के साथ रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, अलीबाग सहित कई इलाके में तेज बारिश और हवाओं का दौर शुरू हो गया। मुंबई पुणे में तूफान के कारण कई पेड़ गिर गए, वहीं अलीबाग में भी तूफान के कहर मचाया। राज्य में NDRF की 21 टीमें तैनात हैं और करीब 1 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। इसके अलावा कोस्ट गार्ड की टीमों को भी प्रभावित इलाकों में तैनात किया गया है। हालांकि गुजरात में किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं आई है। यहां 67,000 लोगों की सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।